We continue with the history contributions of great mathematicians who contributed to the development of the subject and brought it to the point where we are today, and we are benefiting largely with their contribution. Uh, among others, if I don't all of them, briefly describe their work i mersi lay around just to mention you so that you know that they are the great contributors to these subjects. anthony Chezy, louis navier, uh, gaspard coriolis, henry darcy, and many others contributors to the, fluids, uh, to the fluid engineering and theory were students uh, or instructors at these schools. तो ये जो साइंटिस्ट के जिनके नाम अभी मेंशन किए गए पर्टिकुलरली नेवियर्स अब नेवियर इक्वेशन तो बहुत मशहूर है, टू दी एक्सटेंट के ये आज तक बल्कि अनसॉल्व हैं नो बडी हैज़ बीन एबल टू सॉल्व दिन टे मैं थोड़ी देर में इस पर फिर बात करता हूँ फिजिशियन या पॉजूल जिसके मैथमेटिक्स में भी कंट्रीब्यूशन है लेकिन फिजिक्स में भी है तो उसने भी कैपिलरी ट्यूब्स फॉर एग्जांपल डेवलप की एंड इन जर्मनी हैगन है डिफरेंशिएटेड बिटवीन लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप्स तो लेमिनार फ्लो के बारे में थोड़े अर्से पहले मैंने मेंशन uh, किया लेमिनार फ्लो इज़ ए फ्लो दैट इज़ फ्लोइंग स्मूथली वेयर एज़ टर्बुलेंट फ्लो वी कॉल इट दैट वेयर the uh, fluid flow is uh, the, the velocity is very high and it, it's not a smooth flow it's not considered as fruit, uh, smooth flow uh, in england lord osborne reynolds continued that work and developed the dimensionless number that bears his name what happens is k a laminar flow or टर्बुलेंट फ्लो हाउ टू डिफ्रेंशिएट दैम इन मैथमेटिकल टर्म्स तो रेनल्ड ने एक फार्मूला बनाया वट वी कॉल एज रेनल्ड नंबर और रेनल्ड नंबर एक सेटे नंबर से अगर ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं कि ये टर्बुलेंट फ्लो है अगर वह उससे कम रहे तो हम कहते हैं कि ये लेमिनार फ्लो है सो दैट कंट्रीब्यूशन दैट नंबर इज़ आफ्टर दिस ग्रेट साइंटस्ट रेनल्ड हु मेड इ ग्रेट कंट्रीब्यूशन Similarly, in parallel to the early works of Navier, I mentioned George Stokes completed the general equations of fluid motion with friction that uh, take their names. So, Navier ne jo equations developed ki, Stokes ne bhi usme contribution uh, ki add kia. And what is the, uh, the consideration is the importance is. कि उन्होंने यहाँ पर द टर्म दैट दे हैव यूज इज फ्रिक्शन बट एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट विस्कोसिटी सो फॉर विस्कस फ्लूड जो इक्वेशंस ऑफ मोशन डेवलप की इन्होंने दे आर नोन एज नेवियर स्टोक्स इक्वेशन आफ्टर द नेम्स ऑफ द टू साइंटिस्ट नेवियर एंड स्टोक्स इनकी इक्वेशंस जो डेवलप हुई हैं इनकम्प्लीट They are, uh, as we term them, they are non linear equations. Non linear uh, us equations ka complete solution to the best of our knowledge. Abitak available nai hai. And one of the, it's considered to be as one of the unresolved equations of motion in science. Aurus could liye price bhi hai. Uh, lekin, इट्स नॉट टू से उसके स्पेसिफिक सॉल्यूशंस नहीं मिलते एक रिस्ट्रिक्टेड अंडर सर्टेन कंडीशंस कुछ सॉल्यूशन उसके मौजूद हैं लेकिन वो सॉल्यूशन फिर देन सर्टेन असम्शनस के तहत हैं सर्टेन करप्ट बट जनरल होल इक्वेशन को सॉल्यूशन अभी तक अवेलेबल नहीं है तो इनका बहुत बड़ा काम था कि इन्होंने वो इक्वेशन डेवलप की Uh, and they described a fluid flow, a real fluid flow, in a proper manner. Fluid theory was further developed by Irish and English scientists and engineers, including, uh, in addition to Reynolds, Stokes, William Thompson, Lord Kelvin, and William Strutt, Lord Rayleigh and Lamb. These are all famous लैम की भी हाइड्रोडाइनमिक्स बहुत मशहूर है रेले की कंट्रीब्यूशन बहुत मशहूर है रेल नंबर इज आल्सो नोन सो ये तमाम साइंटिस्ट ने बहुत कंट्रीब्यूट किया टू दिस सब्जेक्ट दीज इंडिविजुअल्स इन्वेस्टिगेटेड ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग डाइमेंशनल एनालिसिस एयर रोटेशनल फ्लो वाटक्स मोशन कैविटेशन एंड वेव्स तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं फ्लूड फ्लो की डिफरेंट कैटेगराइजेशन है जिनकी डिटेल और इक्वेशंस तो हम बाद में देखेंगे इस वक्त सिर्फ मेंशन नहीं करना ये है कि इनके ऊपर किन लोगों ने काम किया ट्वेंटी सेंचुरी ब्रॉड टू मोन्यूमेंटल डेवलपमेंट्स। फर्स्ट द राइट ब्रदर्स अगर आपको याद होगा तो ये दोनों भाई वो हैं जिन्होंने सबसे पहले जहाज उड़ाने का तजर्बा किया और वो इनिशियली इनका जो फर्स्ट अटैम्प थी वो तो फेल हो गई लेकिन बाद में बहरहाल उसको कामयाबी मिली और आज आप देख ही रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी कहाँ तक बढ़ गई देयर प्रमेटिव इन्वेंशन वॉज कंप्लीट एंड कंटेन्ड ऑल द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न मॉडर्न क्राफ्ट द नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस वर ऑफ लिटिल यूज अप टू दिस टाइम बिकॉज दे वर टू डिफिकल्ट टू सॉल्व दे आर स्टिल वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व in a pioneer paper in 1904, the german scientist uh, prantl, he showed that fluid flows can be divided into a layer near the walls, the boundary, which we call as the boundary layer, where the friction effects are significant, and an outer layer where such effects are negligible.

वो चलती रही लेकिन देखिए राइड ब्रदर्स का जो काम था जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया यूजिंग ऑल द नॉलेज ऑफ द फ्लूट दैट दे हैव तो उन्होंने एक प्रोटोटाइप जहाज बनाए और फिर वहाँ से ले कर आज तक का सफ़र आज आप देखिए कि वो टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई है नॉट ओनली दैट दे फ्लाई दरोप्लेन दे फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंसेस they fly very long distances with very large of passengers and with very high rate of safety. so this is, is very complicated, sophisticated technology and also there are many other disciplines whose knowledge, whose rules are being applied in uh, this field. But fluid mechanics also plays an essential role in the flight of these things.